हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल फाइन। तो इससे पहले हमने फैसिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में देखा था। फैसिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में देखा था, और इस वीडियो में हम देखेंगे डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी के बारे में। तो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी के बारे में देखने से पहले हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी का जो एटिमोलॉजिकल मीनिंग क्या है। डेमोक्रेसी का एटिमोलॉजिकल मीनिंग इसमें से आता है कि डेमोस और क्रेटिया दो ग्रीक वर्ड्स है। डेमोस का मतलब होता है द पीपल, क्रेटिया का मतलब होता है रूल, यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल्स रूल, जो रूल पीपल करते हैं इनडायरेक्टली। तो डेमोस और क्रेटिया दो वर्ड मिलकर के आया डेमोक्रेटिया, जो कि लैटिन में था। फिर लेट फ्रेंच में इसे डेमोक्रेटी कहा गया। डेमोक्रेटी से निकल कर आया हमारा डेमोक्रेसी। तो कुछ इस तरह से इसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग हम डिराइव करते हैं। तो अब देखते हैं डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी क्या कहता है। डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी ये कहता है कि हमें इंडिपेंडेंस देना चाहिए हमारे इंडिविजुअल्स को, हर एक इंडिविजुअल को एक इंडिपेंडेंस देना चाहिए। इंडिपेंडेंस जो फ्रीडम उन्हें मिलता है, अगर पीपल अनएजुकेटेड और अनडिसिप्लिन रहेंगे, तो यही इंडिपेंडेंस हमें भारी पड़ने वाला है। यही इंडिपेंडेंस एनार्की के तरह काम कर सकता है, एनार्की का रूप ले सकता है। यह होता है डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी, यही कहता है। और क्या हचिंस और महात्मा गांधी क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। तो हचिंस ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल फ्रीडम और पीस को अगर हमें अचीव करना है, तो हमें अनलिमिटेड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज का एक प्रोविजन लाना चाहिए। प्रोविजन इन द सेंस कि हमें अनलिमिटेड नॉलेज एक्वायर करना होगा। जैसे जैसे हम नॉलेज एक्वायर करते जाएंगे, हम थोड़ा और एजुकेटेड होते जाएंगे, हमारे दिमाग में सेंस आता जाएगा, सिर्फ मटेरियलिस्टिक नहीं, हमारा नॉन मटेरियलिस्टिक भी हमारे अंदर डेवलपमेंट्स होती जाएगी। सिर्फ हमारा लिवलीहुड ज्यादा नहीं बढ़ेगा, अर्निंग ज्यादा नहीं बढ़ेगी, इसके साथ साथ हमारा जो मॉरल और एथिकल थिंकिंग है वो भी बढ़ता जाएगा, जो कि आजकल हर एक जगह पर इसकी कमी महसूस होती है। तो अगर पॉलिटिकल फ्रीडम और पीस हमें चाहिए, तो हमें बहुत ज्यादा नॉलेज, कंटिन्यूअसली हमें नॉलेज गेन करते रहना होगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग करती रहनी होगी। और महात्मा गांधी ने भी ये कहा था कि इंडिपेंडेंस से पहले उन्होंने ये कहा था कि स्वराज सिर्फ किसी भी तरह हम नहीं पा सकते। स्वराज को अगर हमें पाना है तो हमें क्या करना होगा, लोगों को एजुकेटेड करनी होगी, मास में हमें एजुकेटेड करनी होगी लोगों को, जिससे कि उन्हें अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाजा हो जाए, और किस सिचुएशन में, इंडिया में किस सिचुएशन में क्या हमें करना चाहिए इनका उन्हें अंदाजा रहे। फिर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में अगर देखें, तो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी कहता है कि सक्सेस डेमोक्रेसी तब सक्सेस होगा जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हमें समझ में आता है, जब हम धीरे धीरे एजुकेटेड होते चलते हैं, हमारे नेशन की तरफ हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ता जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बढ़ता है, हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है उसे हमें समझना भी पड़ता है, और हमें उतना समझदार कौन बना सकता है, एजुकेशन बना सकता है। तो पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, किस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। एक सिचुएशन का अगर हमें सोल्यूशन निकालना है, तो पहले उस सिचुएशन के जड़ तक हमें पहुंचना पड़ेगा। एक सिचुएशन के बारे में अगर हमें ठीक से पता ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ही उसके बारे में नहीं है, तो उसका जो सोल्यूशन है हम किस तरह से निकालेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग भी रहना जरूरी है, और उसके साथ साथ गुड कैरेक्टर भी होना जरूरी है। फिर अगर एजुकेशन क्या क्या हमारे लिए करता है, डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी के हिसाब से एजुकेशन हमारे लिए क्या क्या करता है। सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि खुद के बारे में पहले समझो, दूसरों के बारे में समझने से पहले, नेशन के बारे में समझने से पहले, नेशन के प्रॉब्लम्स के बारे में समझने से पहले खुद को समझो। खुद को अगर नहीं समझोगे तो दूसरों को कैसे समझोगे, ठीक। तो सेल्फ रियलाइजेशन ये हमें सिखाता है कहाँ हमारे फॉल्ट्स रहते हैं, कहाँ हमें डेवलप करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट हमें किस फील्ड में चाहिए, ये बात हमें सिखाता है एजुकेशन। सेल्फ रियलाइजेशन हमें एजुकेशन सिखाता है। ह्यूमन रिलेशन को स्ट्रेंथन करता है, एक एक रिलेशन को
हर एक रिलेशन को हम किस तरह से निभाएं, नेशन के साथ रिलेशन किस तरह से निभाएं, स्टेट के साथ रिलेशन किस तरह से निभाएं, अथॉरिटीज के साथ कैसे निभाएं, फैमिली मेंबर्स के साथ, पीयर ग्रुप के साथ किस तरह से हम हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करते चलें, ये भी हमें एजुकेशन ज्ञान देता है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी के बारे में अगर हम बात करें तो इससे पहले भी हमने एजुकेशन का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिलेशन देख लिया है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है एजुकेशन बढ़ने के साथ, एजुकेशन एजुकेटेड बनाता है इंडिविजुअल्स को, इसके बाद हर एक इंडिविजुअल का इनकम बढ़ता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, नेशनल इनकम बढ़ता है और फिर हमारे नेशन में डेवलपमेंट आती है। इसी के वजह से हमारा इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ता जाता है। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि हम हमारे इंडिया का सिटीजन है तो सिटीजन्स के राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, इसके बारे में हमें अवेयर कौन करता है, एजुकेशन करता है। तो ये तो रहा डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी के बारे में। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो रहेगा पॉलिटिकल सिस्टम का एजुकेशन के साथ क्या रिलेशन है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग।